हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चने की दाल कैसे चुनी जाती है और इसमें क्या डाला जाता है जिससे आपके चने की दाल में धनुकर और कीड़े वीड़े ना लगे। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चने की दाल आती है और वो ऊपर से देख लेते हैं और कहते हैं कि ये बहुत साफ है और उसे अद्दी में या किसी डिब्बे में पैक करके रख देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो उसे निकालते हैं तो उसमें धनुकर लग जाते हैं, तो वो डबल मेहनत हो जाती है। आइए आज आपको हम आसान तरीका उसका बताते हैं जिससे धनुकर भी ना लगे और किस तरह हम अपनी चने की दाल को कितने दिन तक हम रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे इन्होंने चने की दाल ली है और ये इन्हें छान रहे हैं। ये देखिए, आप जैसे देख रहे होंगे कि इन्होंने चने की दाल छानी और जो छनी हुई दाल को उन्होंने इस परात में रख दिया गया है और ये और चने की दाल ले रहे हैं। आप जिस तरह देख सकते हैं कि ये नीचे आप देख रहे होंगे कैसी छोटे छोटे कीड़े धनुकर हैं। वैसे भी बाहर से कोई भी चीज हमें आती है, चाहे चने की दाल हो या तुअर की या चावल हो, उसे हमेशा चुन के ही रखना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो बहुत साफ होती है, पैक होती है, लेकिन वो उतनी ही नुकसान हो जाती है क्योंकि उसमें धनुकर भी लग जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि किस तरह ये छान के इन्होंने इस परात में इन्होंने चने की दाल रख दी गई है। ये देखिए, जिस तरह अब हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि धनुकर कैसे चल रहे हैं। और ये देखिए, कुछ देर पहले जब हमने देखा था कि चने की दाल ऐसी ही थी तो लोग इसे ऐसे देखते हैं, अरे ये तो बहुत साफ है, और उसको साफ समझ के वो अद्दी में रख देते हैं। अब देखिए, इन्होंने चने की दाल छान दी है। आइए दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने जैसे देखा था कि इन्होंने चने की दाल इन्होंने छानी और उसके बाद आपने देखा इसमें कितने धनुकर ये लग गए, लेकिन अब हम आपको एक और आसान तरीका बताते हैं जिससे आप दोबारा अगर चने की दाल छान के चुन के आप अद्दी में भी रख देते हो उसके बाद भी लग जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे उन्होंने चने की दाल उन्होंने छान के धूप में रख दी गई थी, तो ये धूप में रखी हुई चने की दाल थी। अब देखिए, ये इन्होंने इस चने की दाल को ये अद्दी में रखेंगे। अद्दी में डालने से पहले इन्होंने इसमें एक कागज बिछा दिया गया है। अब ये आप देख रहे होंगे, ये माचिस, ये आप सोच रहे होंगे ये माचिस किस काम की है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद होती है। देखिए, ये माचिस की जो ये ब्लैक ब्लैक आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, इससे कहते हैं कि जो धनुकर हो या कोई भी कीड़े जो लग जाते हैं इसकी खुशबू से ये मर जाते हैं। तो ये देखिए, आपको किस तरह ये डाल के आपको दिखाएंगे। ये देखिए शुरुआत में उन्होंने एक डिब्बी डाल दी, अब ये चने की दाल इसमें भर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर घर में माचिस होती है, तो लोग क्या करते हैं, माचिस को लेके खाली हो जाती है और फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत फायदेमंद होती है, वो चने की दाल में डालने में काम आती है। देखिए किस तरह इन्होंने चने की दाल इस डिब्बे में भर दी। आपको अब एक चीज और बताएं, जैसे उन्होंने शुरुआत में एक माचिस की डिब्बी नीचे रख दी थी, अब उन्होंने आधी चने की दाल भर के उन्होंने बीच में एक माचिस की डिब्बी और खाली रख दी। ये देखिए किस तरह ये भर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि किस तरह इन्होंने माचिस
कि खाली डिब्बी इन्होंने रखी, आप इस वीडियो में आप देख सकते हो। फिर उन्होंने चने की दाल भरी, फिर उन्होंने एक खाली माचिस की डिब्बी रख दी। लेकिन हमको एक चीज हो और हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिया हुआ है, उसमें न्यूज़पेपर में इन्होंने देखिए इसी के छोटे चार पांच रख लो, या आपको जैसे जैसे दो तीन रख दी या चार पांच रख दी, इसको इसमें डाल के फोल्ड कर रहे। और एक चीज का ध्यान रखे, माचिस जो की जो काड़ी होती है जिसमें वो ब्लैक ब्लैक जो होता है उसको ना निकाले, उसे कहते हैं रोगन। देखिए किस तरह इन्होंने बीच में उन्होंने कागज में वो डाल के रख दी, फिर इन्होंने चने की दाल डालना शुरू कर दिया गया। देखिए चने की दाल जो होती है जिस उन्होंने बीच बीच में माचिस, आप चाहो तो जैसे इन्होंने अभी चने की दाल डाल दी, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें हमें फिर से माचिस की जो छोटी छोटी काड़ियां हैं वो हमें रखनी चाहिए, तो आप रख सकते हो। देखिए जैसे इन्होंने माचिस की डिब्बी और खाली है वो और रख दी, ये देखिए आप देख सकते हो। और माचिस जरूरी नहीं कि ये वाली है, कोई भी फ्लेवर की भी ले सक रख सकते हो माचिस, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। देखिए और इन्होंने जब इन्होंने चने की दाल डाली उसके ऊपर इन्होंने ये पॉलीथीन जैसे एक पन्नी जो भी होती पॉलीथीन इन्होंने ढक दी, जिससे ये सुरक्षित रह सकती है। अब ये अब अद्दी ये देखिए, अब चाहो तो ऐसे भी और अच्छे से पैक करके रख सकते हो। अगर आप इसको चाहो तो दो या तीन या चार दिन के बाद भी आप निकालते हो, मान लो अगर आपने एक हफ्ते बाद भी इसको निकाली तो इसमें बिल्कुल धनुकर नहीं लगेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही अगर आप रख दोगे तो दो दिन या तीन दिन में आपके धनुकर या कीड़े लगने की संभावना जरूर होगी। आपने देसी देखा था थोड़ी देर पहले, इन्होंने चने की दाल को छाना था, तो देखिए ये जो कीड़े हैं ना ये आपको दिख रहे हैं, ये बाजार से आए हुए हैं। अभी इन्होंने इनको बहुत अच्छी तरह साफ करके और इसमें माचिस और माचिस की सीके इन्होंने कागज में डाल के रख दी गई है। अभी देखिए किस तरह इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके रख दिया गया है। अब देखिए आपने देख लिया होगा किस तरह इन्होंने बहुत अच्छे से ये चीजें इन्होंने करी है। आपको एक चीज और बता दे, जो माचिस होती है माचिस की जो खाली डिब्बी हो माचिस की सीकी हो, तो आप वो चाहो तो चावल को भी, चावल भी बाजार से जो आते हैं वो चावल को भी आप पहले अच्छे से छान लो, धूप दे दो, उसके बाद फिर आप जिस तरह हमने चने की दाल को अद्दी में भरा वैसे ही आप चावल को भी डाल सकते हो, उसमें माचिस रख सकते हो, सीके रख सकते हो कागज में डाल के, और जैसे ये पैकिंग करी उसको भी आप ऐसे सुरक्षित रख सकते हो। चने की दाल जो होती है इसमें एक चीज और हम आपको बता दे, तेल होता है, तो इसलिए इसमें और भी कुछ चीजें ऐसे तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हम चने की दाल हो या गेहूं हो गया चावल हो गया मिलाने के लिए तो काफी चीजें बाहर से भी मिलती है, लेकिन हम आपको एक घरेलू चीज के बारे में बताया गया है। माचिस ऐसी चीज है कि सबके घर में होती है, और माचिस की जो ब्लैक ब्लैक होता है वो जो क्या कहते हैं उसे आप क्या कहते हो, रोगन। देखिए जैसे ये बता रहे हैं कि उसको रोगन कहते हैं, तो ये जो होता है इसकी जो स्मेल होती है इससे कीड़े मरते हैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसे कभी मत निकालो, आप सोचोगे अरे ये तो बहुत ये ब्लैक ब्लैक है हम इसे निकाल दे, तो ये बहुत गलत है। मेन ये चीज होती है, तो इसको आप एक कागज में रख के फोल्ड करके आप डाल सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हम आपको दालों के बारे में और चावल के बारे में और सी बहुत सी चीजें जिसके बारे में आपको जानकारियां दे सकते हैं, जो कि पूरी घरेलू है जो सबके घर में रहती है।